आप भी दोस्तों अपने घर पे ऐसी काली घोर अच्छी सुंदर खाद बनाना चाहते हैं और अपने किचन वेस्ट से और कुछ पत्तों और कुछ गोबर से ही ये बहुत अच्छी खाद बनाई जा सकती है, बहुत इजी है, तो हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए, हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज के वीडियो में हम जानेंगे घर पे कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है, बहुत अच्छी। ये डार्क कंपोस्ट होती है जो आपको थोड़ी सी डालनी पड़ती है प्लांट्स को महीने में से, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं और वो बर्डिंग्स और फ्लावर बहुत प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि आपका गार्डन बहुत अच्छा सुंदर दिखेगा। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको लगेगा अपना किचन वेस्ट जो किचन से निकलता है वो वेस्ट इसमें यूज किया जा सकता है, और आपको लगेंगे पत्ते। ये कार्बन कंपाउंड के लिए यूज नहीं किए जा रहे, अगर उसकी बदबू आए तो उसके लिए यूज किए जा रहे। आपको थोड़े से यूज करना है, ज्यादातर आपको किचन वेस्ट यूज करना है और थोड़े से पत्ते यूज करने। और फिर आपको नेक्स्ट लगेगा गोबर, थोड़ा सा गोबर लगेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा गोबर से आपका काम हो जाएगा और बहुत अच्छी खाद बन जाए। आप अपनी खाद बनाने के लिए ऐसी कोई गनी बैग बोरी ऐसी यूज कर सकते हैं, कोई बोरा ऐसा यूज किया जा सकता है, नहीं तो आप बकेट में भी बनाया जा सकता है। पर बकेट में अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है उससे काली नहीं बनी। मैंने ऐसी एक गनी बैग में भर के रखी थी, वो बहुत अच्छी काली बनी है, तो हम आपको बताने वाले हैं वो। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने सूखे पत्ते नीचे के लेयर में डालने हैं आपको। इसमें थोड़ी हवा चल रही होंगी तो नॉइज आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी। तो फिर आपको पत्ते डालने के बाद आपको थोड़ा अपना किचन वेस्ट डालना है। ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। आपको ये पूरी गनी बैग भर लेनी है, ये बोरा पूरा आपको भर लेना है, और फिर आपको लास्ट लेयर कुछ नहीं, सबसे नीचे के आप गोबर की भी डाल सकते हैं, सबसे नीचे के गोबर, फिर पत्ते और फिर किचन वेस्ट, और लास्ट लेयर आपको गोबर की डाल देनी है। और फिर कुछ नहीं करना आपको, बस इसे करना है और एयर टाइट कर लेना है किसी भी धागे से, इसे अच्छे से इसे बांध लेना है। फिर ये आपके 2 महीनों बाद बहुत अच्छी खाद बन जाएगी। अब आपको प्रिकॉशन क्या लेने हैं बनाने, अब आपको इसके लिए करना क्या है, प्रिकॉशन क्या लेनी है। आपको ये आउटडोर भी रखा जा सकता है, जो आप बोरी रखेंगे उसे बांध के आप आउटडोर भी रख सकते हैं या फिर इंडोर। पर अगर आउटडोर रखेंगे तो उसका जो लिक्विड वगैरह निकलेगा वो अपने बाहर ही निकलेगा, और फिर बहुत अच्छी खाद आपको मिलेगी फाइनल प्रोडक्ट में। आप बकेट में भी बना सकते हैं, पर अगर आप बोरे में बनाएंगे, मेरे एक्सपीरियंस से तो बोरे में बहुत अच्छी बनी है। और आपको इस खाद में मिट्टी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, ये प्योर बनाइए, और इसमें दही डेयरी कोई भी प्रोडक्ट नहीं डालना है, नमक वगैरह के प्रोडक्ट्स, जिससे कि बहुत अच्छी खाद बनेगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली। इसमें भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली अर्थवर्म्स बन जाते हैं। और अगर आप अपने कंपोस्ट बिन में जो पेड़ू होता है, गुआवा फ्रूट होता है, वो अगर पूरा पका हुआ येलो अगर आप अपने कंपोस्ट बिन में डालेंगे तो बहुत अच्छा वो रिजल्ट देगा। अपने बोरे में उसे डालना चाहिए। अगर आपके पास उसका ट्री होगा तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, जाके उसमें बहुत अच्छे अर्थवॉर्म्स बनेंगे और वो आपके कंपोस्ट को और ज़्यादा डार्क बनाएंगे। वैसे तो वो कंपोस्ट नहीं है, ये अर्थवॉर्म्स के इससे बन रहा है, इसलिए हमारे वीडियो वर्मी कंपोस्ट पे है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक देना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने गार्डनिंग ग्रुप पे शेयर करना। थैंक यू। अब देखते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। आपको यूज़ करने के लिए मेरा ये प्लांट है इतना बड़ा है, इसका पॉट बहुत बड़ा है, तो मैं कैसे इतना एक स्पून इसे इतना दे दूंगा। अगर आपका प्लांट इतना ही छोटा सा होगा तो आपको उसे बस आधा देना है, आधा चम्मच मैं इसे फिर अपने प्लांट में डाल दूंगा और फिर इसकी अच्छे से गुड़ाई कर दूंगा जिससे कि, और फिर अगर प्लांट के अंदर आपका मॉइस्चर होगा तो आप फिर पानी मत देना ऊपर से, अगर उसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो आप ऊपर से वाटरिंग भी कर सकते हैं। और ये खाद आपकी बन जाएगी 2 से 3 महीनों में, ये प्योर खाद आपकी बन जाएगी और बहुत अच्छी रहेगी, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगी। अभी इस पर बहुत ऊपर अर्थवॉर्म्स भी आए थे, पर वो अभी बारिश हो रही है इसलिए गीली हो गई, इसलिए वो अंदर चले गए होंगे।